हेलो एवरीवन वेलकम टू जई पेजीत सीरीज एट लर्न हब मैं हूं अद्रेज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट लर्न हब डॉट कॉम जहाँ पर आपको मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री स्टूडेंट जेई सीरीज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ये न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि रेवोल्यूशन पर सेकेंड एंड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट जीरो पर पेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉयल इज टू पाई बाई बीटा वोल्ट वैल्यू ऑफ बीटा इज क्या होगी बीटा की वैल्यू ये हमें निकालनी है ठीक है तो पहली बात तो सुन लो कि फ्लक्स जो होता है अगर कॉयल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है तो वहां पे क्या होता है फ्लक्स का चेंज होता है तो फ्लक्स क्या हो जाती है एन बी ए नंबर ऑफ टर्न बीज द मैग्नेटिक फील्ड एन बी ए कॉस थीटा थीटा क्या होती है जिस एंगल से रोटेट किया जा रहा है वो एंगल है थीटा ठीक है अब ई एम एफ क्या होती है माइनस डी फाइव डी टी इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा एन बी ए ये बाहर आ जाएगा ठीक है और एन बी ए बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या डी डी टी ऑफ माइनस डीडीटी डी डी टी ऑफ कॉस थीटा ठीक है अब कॉस थीटा को हम कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं सो सिंपली दिस कैन आल्सो बी रिटर्न एन बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को हम ओमेगा टी के टर्म्स में लिख सकते हैं कोई डिफ कोई यहां पे कंफ्यूजन नहीं है क्यों हमने किया डी टीटा डी टी के जगह पे क्योंकि यहां पे हमें टी के टर्म्स में लाना था डी डी टी है ना डिफरेंशियम विद रेस्पेक्ट टू टी तो टी के टर्म्स में लाना था अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें एन बी ओमेगा साइन कॉस का माइनस साइन माइनस साइन यानी कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो साइन ओमेगा टी डिफ्रेंशिएशन हो गया खत्म कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है अब पूछा जा रहा है क्या कि मैक्सिमम वोल्टेज तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा दिस इज वेव इक्वेशन तो ये हमारी मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगी ठीक है सो ई मैक्स विल बी इक्वल्स टू एन बी ओमेगा तो ई e मैक्स की वैल्यू मुझे मिल गई एन बी ओमेगा अब बस इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं ई e मैक्स इक्वल्स टू एन कितनी है टू हंड्रेड बी कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन ओके ए कितना है एरिया है जीरो पॉइंट टू जीरो स्क्वायर तो जीरो पॉइंट टू जीरो और ओमेगा कितनी होगी ओमेगा देखो ओमेगा क्या है ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड में बट यहां पे एक हमारे पास दिया गया गया सिचुएशन क्या है कि यहां पे लिखा गया है कि कि पे लिखा हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो रहा है अब हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड एक रेवोल्यूशन मतलब कितना होता है टू पाई तो अगर एक रेवोल्यूशन कहा जाता है तो हम क्या लिखते हैं टू पाई यहां पे आधी रेवोल्यूशन लिखी गई है पर सेकेंड में तो कितना हम लिखेंगे पाई रेडियन पर सेकंड और पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड हम लिखेंगे तो सिंपली पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा की जगह पे पाई लिख देंगे ठीक है सो टू हंड्रेड इंटू वन बाई हंड्रेड इंटू टू बाई टेन इंटू फाई ओके कैंसिल बचा फोर बाई टेन पाई ठीक है टू से कैंसिल आउट करें दिस इज टू दिस इज फाइव सो टू पाई बाई फाइव अब ई e मैक्स किस फॉर्म में है टू पाई बीटा के फॉर्म में तो टू पाई बाई की वैल्यू कितनी है बीटा की वैल्यू है सो so, पे कितना लिखोगे आप फाइव लिखोगे दिस ऑप्शन और दिस दिस इज द करेक्ट आंसर फाइव ओके समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है सॉरी या yeah. द मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव लिंक क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस ओम विद टाइम एज फाइव टू फाइव टी द इंड करेंट इन द सर्किट एट इक्वल्स टू टू इज तो इंड्यूस्ड करंट पूछा गया है, तो करंट क्या होती है ई एम एफ रेजिस्टेंस यही हम करेंगे ठीक है करंट जो होगी सॉरी V टू आई आर सो आई इकोस टू वी बाई आर यानी कि ई एम एफ बाई रेजिस्टेंस हम करेंगे तो इसके लिए पहले हमें ई एम एफ निकालनी पड़ेगी बट हमारे पास क्या दिया गया फ्लक्स का लिंकेज फ्लक्स का इक्वेशन दिया गया है। तो ई एम एफ क्या होगी डी फाइ डी टी क्या हो जाएगी डी फाइव डी टी और साथ में एक माइनस सो डी डी टी ऑफ फाइव यानी कि फाइव टी स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स टी प्लस वन इसको डिफ्रेंशिएट करना है माइनस डी डी टी सॉरी ये तो सिंपली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं माइनस को रखो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी टेंटी माइनस थर्टी सिक्स हो गया टेंटी माइनस थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स प्लस टेंटी थर्टी सिक्स माइनस टेंटी ठीक है माइनस से हमने रिप्लाई किया तो अब पूछा क्या गया है कितने सेकंड में टू सेकंड एट टी इक्वल्स टू टू सेकंड तो टी इक्वल्स टू टू सेकंड पुट करें यहाँ पे तो थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी हमारे पास कितनी आ जाएगी दैट विल कम एज सिक्सटीन ठीक है तो ईएमएफ कितनी आ गई सिक्सटीन वोल्ट अब बस रेजिस्टेंस ईएमएफ हमारे पास क्या है ई हमारे पास है सिक्सटीन वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है देखो एट ओम सो दिस इज करेंट कितनी हो जा रही है टू एंपियर ओके ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा टू एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है समझ में आया क्वेश्चन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फोर थ्री बहुत इजी सा क्वेश्चन है यहां पे इंडक्टर को के, का एक सेटअप दिया गया है हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालनी कैसे देखो इस इसको अगर हम रीड्रॉ करें यहाँ पे अगर रीड्रॉ किया जाए तो हमें क्या दिखेगा कि ये देखो ये यहाँ से कनेक्शन है किसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है इसके साथ और सिमिलरली ये भी पैरेलली कनेक्टेड है नीचे मतलब अगर इस तरह से मैं लिखूँ और एक इस तरह से लगाऊं तो मतलब तीन इंडक्टर पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से ठीक है और तीनों की जो इंडक्टेंस है दैट इज थ्री हेनरी थ्री हेनरी एंड थ्री हेनरी तो पैरेलल कनेक्शन इंडक्टर का रेजिस्टेंस के सिमिलर होता है किस तरह से करेंगे वन बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू प्लस वन बाई एल थ्री यहाँ पर एल वन एल टू एल थ्री सारे सिमिलर है तो सिंपली वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री सो दिस थ्री बाई थ्री एंड वन सो ये आया वन बाई एल इक्विवेलेंट सिंपली एल इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा वन हैनरी सो वन हैनरी कौन सा ऑप्शन में है ऑन वन हेनरी इस ऑप्शन में तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन डिराइव करना है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर रोटेट्स अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइन नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज perpendicular to टू द फील्ड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज आर द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन इज मीन पावर जनरेटेड क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है ठीक है मीन पावर जनरेटेड क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है तो पहली बात तो अगर फ्लक्स की बात करो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा ठीक है फ्लक्स क्या हो जा रहा है हमारा बी ए थीटा ये हमारा क्या हो रहा है फ्लक्स हो रहा है चलो ठीक है बहुत बढ़िया अब अगर सेमी सर्कल है तो इसकी एरिया क्या होगी इसकी एरिया होगी हाफ पाई आर स्क्वायर ठीक है आर स्क्वायर रेडियस है तो हाफ पाई आर स्क्वायर ये इसकी एरिया हो जाएगी थीटा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अब ईएमएफ का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ फ e का अगर मैग्नीट्यूड लू क्योंकि पावर में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं सो ई एम एफ का अगर मैं मैग्नीट्यूड लू तो मुझे क्या मिलेगा माइनस डी फाइव डी टी इसका पूरे का मैग्नीट्यूड आएगा ठीक है सो सिंपली मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा फाइव टी को कैसे करूंगा देख लेते हैं बी हाफ बी पाई आर स्क्वायर ये हमारे पास बाहर आ गई अब हमें क्या चेंज करना है थीटा को कॉस ओमेगा टी करना है सो डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा जैसे पिछले के पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था फिर से देखो हाफ बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी ठीक है साइन ओमेगा टी ये हमारे पास आ गया अब कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा तो सिंपली एक माइनस लगा दो ओके माइनस साइन ओमेगा टी ठीक है माइनस लग गया सामने बट ये सारे क्या है ये मैग्नीट्यूड है ये मॉड्यूल के अंदर है अब देखो सॉल्व करो थोड़ा सा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है देखो माइनस ये तो वैल्यू सेम है बट हमें क्या चाहिए हमें चाहिए पावर क्या चाहिए पावर चाहिए ये हमारे पास ईएमएफ आया पावर क्या होती है पावर होती है ईएमएफ का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस ई एम एफ का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस मतलब ये वाले टर्म की स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस तो इस टर्म का स्क्वायर करूंगा मैं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी अगर मैं मॉडलर से इसे बाहर निकाल देता हूं स्क्वायर है वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी सो दिस विल कम एज बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू पावर फोर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय ये टू की स्क्वायर हो जाएगी नीचे तो यहाँ पे फोर आ गया और यहाँ पे आर आ गया ये मेरे पास आ गई पावर ठीक है ये मेरे पास क्या आ गई पावर आ गई मतलब मेरे पास नहीं आई क्वेश्चन में पावर आ गई मेरे पास पावर नहीं आई है ठीक है चलो फिर अब देखो हमें चाहिए पावर का मीन पावर चाहिए मीन पावर यानी कि एवरेज पावर और मीन पावर सो so, मीन अगर मैं निकालू सो so, इन सब के मीन में कौन सा वेरिएबल है बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आर टू दी पावर फोर ओमेगा स्क्वायर ये सारे कांस्टेंट है जो वेरिएबल है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी ठीक है मीन पावर चाहिए तो मीन पावर में हमें ये एफसाइलन का भी मीन निकालना पड़ेगा एफसाइलन स्क्वायर का भी मीन निकालना पड़ेगा इसमें सारे जो वैल्यूज आपको दिख रहे हैं ये क्या है कॉन्स्टेंट है एक ही वेरिएबल जो हमारे पास है वो क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये एक फंक्शन है है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक फंक्शन है इस फंक्शन का मीन वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू होता है वन बाई टू ठीक है ये मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू हम लिखते हैं वन बाई टू से सो साइन स्क्वायर ओमेगा टू को मीन पावर में मीन पावर देखो क्या होती है यहाँ पे मैं लिखूँगा बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू दी पावर फोर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू बाई फोर आर सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू है वन बाई टू तो सिंपली मेरे पास रिलेशन जो आएगी दैट विल बी बी स्क्वायर और अगर मैं सबको मिला के होल स्क्वायर लिखू सो बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर बाई इसकी वैल्यू वन बाई टू टू नीचे आए तो एट एट आर देखो रिलेशन हमारे पास ये आ गया मैच कर लो कौन से रिलेशन से मैच कर रहा है एट आर यहां पे है देखो बीस पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर एट बाई एट आर सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कैसे हमने सॉल्व किया फ्लक्स से हमने डिराइव किया यहां पे बहुत लोगों को हो जाता है कि पाई आर स्क्वायर मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता सिली मिस्टेक हो जाती है मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं वो हाफ के जगह पे सीधा पाई आर स्क्वायर लिखते है तो ये जो फोर वाली टर्म है ये उनके पास आती ही नहीं है है ना क्यों क्योंकि यहाँ सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के एरिया जो है वो हाफ हो जाएगी Okay question number 5 a metal conductor of a length 1 meter rotates vertically about one of its end at an angular velocity of 5 radian per second okay if the टल कॉम्पोनेट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो पावर माइनस फोर टेस्ट ला डेवलप बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर विल बी तो ई एम एफ डेवलप बिटवीन टू एंड ऑफ द कंडक्टर ये अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दी गई है तब क्या होती है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं एम एफ को ये एक फॉर्मूला होती है बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हाफ करो बी हमारे पास दी गई है जीरो पॉइंट टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर ओमेगा कितनी है देखो भाई ओमेगा हमारे पास फाइव रेडियन पर सेकेंड है सो so फाइव और लेंथ लेंथ हमें कितना पता है एल स्क्वायर एल स्क्वायर वन मीटर तो वन मीटर का वन का स्क्वायर यानी कि वन ही आ जाएगा ठीक है सो वन बाई टू इंटू टू बाईन इंटू टेन टू दावर माइनस फोर इंटू फाइव टू टू कैंसिल यहां से फोर क्या हो जाएगा फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव और वी कैन सिंपली राइट फिफ्टी इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स ठीक है फिफ्टीन टू टेन टू दावर माइनस सिक्स वोल्ट दैट इज फिफ्टी माइक्रो वोल्ट सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है देखो ऑप्शन बी में हमारे पास फिफ्टी माइक्रो वोल्ट है वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इन साइड अनादर एज शोन इन द फिगर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू द मैग्नेटिक फील्ड भी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन

ट्यूब okay. EMF? EMF तो ओके ना व्हाट विल बी दिन में या फिर यूट्यूब में क्या होती है बी एल होता है यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है यहां पे एरिया चेंज हो रही है किसकी एरिया चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में जो एरिया है वो चेंज हो रही है उसके वजह से क्या हो रहा है फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है फ्लक्स चेंज होने के वजह से ई एम हो रहा है देखो पहले इतनी एरिया थी ठीक है अब क्या है एक दूसरे के ये एक दूसरे के अंदर ये जा सकती है ठीक है सो दिस इज गोइंग इनसाइड दिस बिगर ट्यूब सो क्या हो गया जैसे जैसे इसे हम पुश करते जाएंगे इसकी नीचे की एरिया कम होती जाएगी ये इस ऐसे आपस में ऐसे घुसते जाएगा तो इसके वजह से ई एम एफ इंड्यूज होगी अब कहा यह गया है कि दोनों एक दूसरे के तरफ सेम वेलोसिटी वी से आ रहे हैं सेम वेलोसिटी वी से आ रहे तो ये जो वी होगी इसके जगह पे हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे क्योंकि दोनों मूव कर रही हैं है ना जब या तो कंडक्टर को मूव करते हैं या फिर कॉयल को मूव करते हैं और अगर कंडक्टर और कॉयल दोनों को मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो यहां पे वी जो होगी दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी अब किसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी दिस आर मूविंग बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन सो ऑफ माइनस ठीक है सो v माइनस ऑफ माइनस वी अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा v प्लस दैट इज टू वी रिलेटिव पता ही है उससे हमने निकाल दिया दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो टू वी सो ये हमारी की कि, कितनी हो जाएगी बी एल टू वी और टू बी एल वी बस खत्म क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इतना बड़ा क्वेश्चन इतना सिंपल सोल्यूशन ठीक है इतना बड़ा क्वेश्चन है इतना सिंपल सोल्यूशन है क्यों बस एक कैच आपको पकड़ना था कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है ओके okay, समझ में आ गई बात किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग फ्रीली एट राइट एंगल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अगेन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 0.60 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर अच्छा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जो भी आपके पास क्वेश्चंस uh, होंगे वो इस साल नहीं आएंगे क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट या फिर अर्थ ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है ये हम हमारे सिलेबस से फिलहाल के लिए हट चुका है ओके सो हमारे पास फिर से देखो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ गई है ईएमएफ e क्या हो जाएगी बी एल वी ठीक है बी एल वी और बी एच एल वी कुछ भी आप लिखो बी एच मतलब आ, इसकी <coughs> मैग्नेटिक फील्ड ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूज इन दायर वेनोसिटी देखते क्या है पावर माइनस फोर लेंथ कितनी दी गई है फाइव मीटर लॉन्ग तो फाइव लिखो और ये कितना है टेन मीटर पर सेकेंड सो सिंपली हमारे पास कितनी आ गई सिक्सटी बाई हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर इंटू टेन तो इंटू फाइव भी है सो so सिंपल हमारे पास सिक्सटी बाई हंड्रेड इंटू फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो इसको अब हम नहीं छेड़ेंगे इसी में हम सॉल्व करेंगे सो दिस इज सिक्स दिस इज फाइव टू एंड दिस इज थ्री इंटू टेन टू द पावर टू एंड थ्री थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा सो so, यहाँ पे ऑप्शन कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी सो थ्री विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ऑलरेडी टू द पावर हमारे पास दिया गया है ओके आई होप यू गॉट द आंसर किस तरह से सॉल्व कर रहे बी एलवी नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है टू एक्सियल सोलेनोइट्स आर मेड बाय वाइंडिंग थिन इंसुलेटेड वायर ओवर अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया

म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सारे वैल्यूज दिए गए हैं आपके पास म्यू नॉट की वैल्यू है फोर पाई इन टू टेन टू दी पावर माइनस सेवन ठीक है वन ऑफ द सोलर थ्री हंड्रेड एंड अनदर फोर हंड्रेड अच्छा थ्री हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड है फोर हंड्रेड एरिया कितनी दी गई है देखो एरिया हमारे पास टेन सेंटीमीटर स्क्वायर टेन सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 10 टू द पावर माइनस -4 मीटर स्क्वायर ठीक है लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ कितनी दी गई है लेंथ है क्या 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर ठीक है सॉल्व कर लो 4 पाई 10 टू द पावर माइनस -7 4 3 12 10 टू द पावर 10 टू द पावर 4 और यहां पे हमारे पास आ रही है 10 टू द पावर -3 बाई पॉइंट टू फोर पाए माइनस सेवन और माइनस थ्री मिला के हो गया माइनस टेन और यहां से प्लस फोर होगा तो माइनस सिक्स फोर पाए इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इन ट्वेल्व बाय टू और ऊपर टेन गया ऊपर चला जाएगा तो टेन टू दू टू दावर माइनस टू इंटू टेन टू दावर माइनस वन ऊपर गया तो प्लस वन सो टेन टू दावर आ गया यहां पे माइनस फाइव ठीक है पावर माइनस फाइव ट्वेंटी फोर पाई इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव कहां पे है देखो ट्वेंटी फोर अच्छा टू पॉइंट फोर है तो टेन टू दावर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा सो ऑप्शन वन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके समझ में आ गई बात 2.4 पाई है तो so 10 टू द पॉइंट फोर ठीक है सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर नाइन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ इज रैप्ड अराउंड वुडन सिलेंडर कोर मतलब एक वुडन सिलेंड्रिकल कोर है ठीक है और इंसुलेटेड कॉपर वायर को हंड्रेड टर्न हमने रैप कर दिया है ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर स्क्वायर द टू एंड्स ऑफ द वायर्स आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर इसको एक रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया ओके नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गई कितनी टोटल रेजिस्टेंस हो गई ट्वेल्व ओम ठीक है इफ द एक्सटर्नली अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है देन द कोर अलोंग इट्स एक्सेस चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट फाइव टेस्ला इन वन डायरेक्शन टू वन पॉइंट फाइव टेस्ला इन अदर डायरेक्शन मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइव टेस्ला से वन पॉइंट फाइव टेस्ला डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सर्किट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी तो चार्ज का चेंज कब होगा जब सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही तो चार्ज और फ्लक्स में क्या रिलेशन है ये देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ऑब्वियसली फ्लक्स का चेंज हो रहा है ओके अब चार्ज क्यू ये होती है आई डी टी डी आई डी टी सॉरी डी आई डी टी अब आई किस तरह से रिलेटेड है किससे रिलेटेड है आई इज रिलेटेड टू फ्लक्स ठीक है रेजिस्टेंस है ना सो सिंपली रेजिस्टेंस यानी कि ऐसे मैं लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब एफसाइलन डी टी किस पे डिपेंडेंट है डी फाई डी टी पे डिपेंडेंट एफ साइलन क्या होता है डी फाइवी है ना सो डी स्क्वायर फाइव इस तरह से हम लिख सकते हैं तो अगर वहां से देखा जाए ये सारे सिचुएशन से देखा जाए तो जो चार्ज होगी जो चेंज इन चार्ज होगी दैट इज चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं ओके चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं ओके okay, सो so अगर इस तरह से मैं लिखना चाहूं, तो मेरे पास क्या आएगा दिस इज फाइव टू माइनस फाइव वन बाई आर फाइव टू माइनस फाइव वन बाई आर ठीक है, है? चूंकि यहां पे कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है तो हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन इस तरह से हम नहीं कर रहे हैं। हमने सिंपल ये डेल्टा वाला रूल अपलाया है ठीक है फाइव टू माइनस फाइव वन अब फाइव टू क्या है पहले क्या थी एन बी ए पहले है एन बी ए अब देखो सिमिलर ही है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड क्या है 1.5 1.5 टेस्ला टेस्ला इन इन वन डायरेक्शन डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट सामने माइनस ठीक है अब आप अगर पूछ रहे हो थीटा या ओमेगा टी हमने नहीं लगाया बिकॉज ऑफ द एंगल यहां पे एंगल हमारे पास क्या लिखा गया है कि सिलेंड्रिकल वुडन कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस और इफ इट इज एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर अलोंग इट्स एक्सिस लिखा है अलोंग इट्स एक्सिस लिखा है तो एंगल क्या हो जा रही है जीरो डिग्री जीरो डिग्री कॉ जीरो डिग्री यानी कि वन ठीक है इसलिए हमने यहां पे जीरो डिग्री नहीं लिया है ओके सो फाइव टू माइनस फाइव वन कितना हो जाएगा दैट इज डेल्टा फाइव ये किसके बराबर आ रहा है एन बी ए माइनस ऑफ माइनस एन बी एट इज ट्वाइस एन बी एके अब डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा ट्वाइस एन बी ए अपॉन आर बस अब वैल्यूज पुट कर दो ट्वाइस एन बी ए अपॉन आर में टू की वैल्यू सॉरी दिस इज डेल्टा क्यू है ना ये डेल्टा क्यू है सो so, डेल्टा Q इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी टू इंटू टर्न कितना है हंड्रेड टर्स है B कितनी है मैग्नेटिक फील्ड है है ना एरिया कितना है एरिया कितनी दी गई ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो ट्वेंटी फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फोर ओके ये हो गया टेन टू दावर माइनस फोर है और रेजिस्टेंस कितना है ट्वेल्व वो सो so, सॉल्व करके देखेंगे यहां से ट्वेल्व टू सो फोर इंटू वन पॉइंट फाइव जीरो सिक्स इंटू टेन टू द माइनस सिक्स आ रहा है टेन टू दावर माइनस कितना आ जा रहा है यहाँ पे टू है यहाँ पे माइनस फोर हो रहा है सो टू माइनस फोर हो रहा है माइनस टू सॉरी माइनस टू सो सिंपली सिक्स इंटू टेन टू द माइनस टू और सिंपली वी कैन राइट सिक्सटी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री सिक्सटी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री करेंगे तो टेन टू दावर माइनस थ्री होती है, मिली में सो सिक्सटी विल बी द करेक्ट आंसर सिक्सटी मिलीकुलम तो ऑप्शन यहां पे कौन सा हो जाएगा न्यूमेरिकल बेस्ट क्वेश्चन का सिक्सटी मिलीकुलम इज द करेक्ट आंसर ओके समझ में आ गई बात क्वेश्चन नंबर नाइन किस तरह से हमने सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि जेई e के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रह सकते हैं क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है सो थैंक्स फॉर बींगर एंड अ ग्रेट डे